इस देश की रीढ़ ये किसान, जिसके सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती हो। और 6 महीने तक प्रधानमंत्री ने एक भी बात उनकी नहीं सुनी और उनके बारे में 2 शब्द कभी नहीं बोले, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े विडम्बना की और बड़ी शर्मनाक बात। ये तो आम आदमी के शोषण के लिए व्यापार है, शोषण के लिए कानून बनाया है। इससे देश की तरक्की नहीं होगी, इससे तो आम आदमी, किसान, मजदूर, आम आदमी, छोटा व्यवसायी ये भूखा मर जाएगा। आज ही मैंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा है, यहाँ ये भूबलिये पड़े हैं भोपापुर गांव पे, मैं वहाँ नहाने के लिए गया था तो एक भूवलनी जो है ना, उसके पीछे 4 बच्चे रो रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। तो वो यूँ कह रही थी कि खाना कहाँ से दे दूँ, 1 रुपया भी जेब में नहीं है, उधार कोई देता नहीं, कहाँ से खाना दे दूँ। तो मैंने जब उसे पूछा तो उसने बताया कि ये बच्चे शाम भी भूखे सो गए और अब भी भूखे रो रहे हैं, क्या करूँ। तो मैंने उसे 50 रुपये दिए, तू जा ले जा और इन्हें चावल खरीद के बना के खिला दे। तो अपनी आत्मा दबा रही थी कि मोदी तेरा नाश जाएगा, तेने हम बर्बाद कर दिए, आज हमारे बालक भूखे रो रहे हैं, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, हम कहाँ जाएं, आखिर क्या करें, हमारा सब कारोबार, हमारा काम धंधा, हमारी नौकरी सब खत्म कर दी। देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो तो केवल उन खास दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश का तो वो शोषण करके उन चंद लोगों की झोली में भरना चाहते हैं, इस देश को लूट के, ये है उनकी नीति। तो वही बात तो हम कह रहे हैं कि इस पर कानून बना दो, जब थी है और रहेगी तो कानून बनाने में कौन सी दिक्कत है। कानून बना दो कि इस MSP से नीचे कोई भी माल नहीं खरीदेगा, अगर माल खरीदता है तो उसके वो सजा का हकदार होगा। वो कहते हैं कि किसानों ने ये कानून नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये किसानों ने कानून नहीं पढ़ा है, इन जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी तो बहुत चल रही। किसानों ने कानून पढ़ा है, जब ही तो आज ये बॉर्डरों पे पढ़ा है, अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ के, बड़े दुर्भाग्य की बात है। 6 महीने हो गए हमें यहाँ बॉर्डरों पे पड़े हुए और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक प्रधान हैसियत का आदमी भी अगर कोई फरियादी उसके दरवाजे पर आता है तो उसकी बात सुनता है, और प्रधानमंत्री ने किसानों की तरफ करवट तक नहीं बदली है, आँख खोल के तक नहीं देखी है। 350 शहीद हो गए, किसी का कभी नाम तक नहीं लिया, कोई श्रद्धांजलि नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसान के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसान को तो बेवकूफ समझ रखा है। चार दिन बाद 6 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन को, मतलब आधी साल गुजर जाएगी, आपके किसान आंदोलन को क्या लग रहा है, कुछ बात बनती दिख रही है आपकी? फिलहाल कोई बात नहीं बनती दिखाई दे रही है, सरकार चुप्पी साधे हुई है और विचार कर रही है कि आखिर अब किया क्या जाए, क्योंकि ये आंदोलन सरकार के गले की फांस बन चुकी है। सरकार ना तो बात करने के लिए तैयार है और आंदोलन को यहाँ से बर्बाद करने के लिए कई तरह की साजिश रच रही है, लेकिन कोई भी साजिश सरकार की सफल नहीं हो रही है। जो भी साजिश रची जाती है वो अपने ही मुंह उल्टी गिर जाती है और आंदोलन ज्यों का त्यों हमारा अपने शिखर की तरफ चल रहा है, आंदोलन में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन सरकार ने आपसे बात करना भी छोड़ दिया है करीब 3 महीने पहले से। अब सरकार ने बात करना इसलिए छोड़ दिया है कि आखिर बात को शुरू करें कहाँ से। जो सरकार बात करना चाहती है वो हमारे किसान नेता नहीं करना चाहते, और जो किसान नेता चाहते हैं उसे सरकार नहीं चाहती। किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस हों और MSP पे कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए, ये कानून बनाने के लिए ना तैयार है और ना ही ये तीनों बिल वापस लेने के तैयार है। क्यों? कि सरकार के दोनों तरफ अडानी और अंबानी जैसे विशाल व्यापारी बैठे हैं जो सरकार को किसी कीमत पे सही रास्ते पे आने देने को तैयार नहीं है। लेकिन सर, जो जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं हमारे देश में, ये तो पहली सरकारों में भी थे ऐसे व्यापारी, तो पहली सरकारों में भी थे, लेकिन उसमें अंतर था। पहले इस पे एक उस पे एक सीमा थी, इसके जो है भंडारण पे एक सीमा थी, एक व्यवसायी कोई भी 15 दिन का, जितनी उसकी 1 दिन की खपत है उस 15 दिन का ही वो भंडारण कोई भी स्टॉक कर सकता था। लेकिन इस सरकार ने किया क्या है कि ये भंडारण की सीमा खत्म कर दी, कोई भी व्यापारी कितना भी भंडारण कर सकता है और अपना माल कहीं भी
इस भारतवर्ष के किसी कोने में बेच सकता है या अपना माल विदेशों में भी बेच सकता है। क्या ये किसान भारतवर्ष के कोनों में माल बेचेगा? क्या ये अमेरिका और अफगानिस्तान में माल जाके बेचेगा? इसे तो अपने खेत में माल बेचने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेरा माल खेत में ही बिक जाए। तो ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, इनमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि ये व्यापारी माल खरीदेंगे, अपने भंडारों में भरेंगे और उसके बाद कहीं भी देश भारतवर्ष में बेचें या विदेशों में बेचें, अपनी मर्जी से बेचेंगे और अपने भाव बेचेंगे। एक दिन रोटी का सौदा होगा। ये देख रहे हैं आज मार्केट में आप सेब की क्या दशा है, देख रहे हैं ना तेल की क्या दशा है। ये तेल का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है आज अडानी ग्रुप। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक आज अडानी ग्रुप है। तेल आज उसकी मुट्ठी में बंद है, वो जिस भाव का चाहेगा उस भाव का बेचेगा, क्योंकि तेल की कमी है। और यही दशा सेब की देख रहे हो। सेब 200 250 300 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा है और आम आदमी को तो सेब खाने की हिम्मत पड़ रही है, जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, फल की ज़रूरत होती है हर आदमी को, लेकिन फल खाने को नहीं मिल रहा। क्यों? कि उसकी कीमत इतनी हो गई है और जेब में पैसा किसी भी वर्ग के में है नहीं। सर, लेकिन यदि कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है देश में, उससे देश की तरक्की भी तो होती है। ये तरक्की वाला व्यापार नहीं है सर। ये देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है किसानों का, क्या लग रहा है सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह हो सकती है? सरकार इस पर आखिर ध्यान तो एक दिन देना ही पड़ेगा। सरकार देख रही है कि ये थक जाए, पक जाए और ये घर चले जाए, लेकिन ऐसा किसी कीमत पर होने वाला नहीं है। ये विचार सरकार दिमाग से निकाल दे बिल्कुल, क्यों कि अब हमारे अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं रही। हम तो भुखमरी की कगार पर नहीं बैठे, हम भूखे मर रहे हैं। हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। किसान 6 महीने का राशन लाए थे नवंबर के महीने में, वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो अगले 6 महीने का और इंतजाम करेंगे, और अब जो है ना ये दोबारा से व्यवस्था शुरू हो गई है, अगले 6 महीने का फिर इंतजाम कर रहे हैं और उस 6 महीने के बाद फिर आगे देखी जाएगी जो कुछ। किसान कहते हैं कि हम 2024 तक बैठेंगे, यदि एक सरकार नहीं मानती है दूसरी सरकार आएगी उससे हम ये कानून मनवा कर रहेंगे। दूसरी सरकार की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ भी कोई कदम किसान के खिलाफ उठा दे। उससे पहले ही हम सारा सब कुछ इंतजाम कर देंगे, दूसरी सरकार आने से पहले ही होना है ये सब कुछ। दूसरी सरकार तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं, और अगर ये दूसरी सरकार तक बात पहुंची तो ये बड़ा इस देश का दुर्भाग्य होगा। सर, ये वजह क्या हो सकती है? किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है हमारे देश में, युवा पीढ़ी सबसे बड़ा वोट बैंक है, और दोनों ही ये जो पक्ष हैं, दोनों जो समुदाय, दोनों ये वर्ग हैं, ये ही दुखी है हमारे देश में। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, किसान परेशान है, 6 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को डर नहीं लगता कि हमारी वोट बैंक जो है ख़त्म हो जाएगा, खिसक जाएगा? खूब दिखाई दे रहा है कि ये वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, और बंगाल में हुआ है, देखा है तुमने क्या स्थिति बनी है। इन्होंने पूरे जोर लगाए हैं, एड़ी चोटी के जोर लगाए हैं बंगाल में, लेकिन बंगाल में ये धराशायी हो गई है सरकार, देखा है पूरे संसार ने, देखा है हिंदुस्तान की नहीं पूरे संसार की नज़र थी बंगाल पे, और बंगाल में ये धराशायी हो गई है। इसी तरह से ये अब आगे वाले आने वाले चुनावों में यूपी हरियाणा पंजाब इसमें धराशायी होगी, और ये इनकी सब जो इनके गणित हैं, जो आंकड़े हैं, वो सब धरे रह जाएंगे। सर, जो हरियाणा के किसान हैं, जो पंजाब के किसान हैं, वो सरकार का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। रोजाना वो अपना सड़क पर आ जाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सबको जो है वो अपना विरोध जताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इस तरह से जो विरोध नहीं कर पाते सरकारों का। यहाँ भी विरोध हो रहा है, वैसे हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, वहाँ थोड़ी संगठितता इसके उत्तर प्रदेश के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ अब यहाँ से आगे जन जागृति और विशेष रूप से चलेगी, और यहाँ भी उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा इनका जो आज हरियाणा में हो रहा है। 2022 में चुनाव है यूपी में, उत्तराखंड में, कितना असर डाल पाएगा यह आंदोलन? ये इतना असर डाल पाएगा जैसे बंगाल में पड़ा, वो यह दशा होगी यहाँ। लेकिन योगी जी तो कहते हैं डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे दोबारा खुशहाल। ये तो बंगाल में भी अंत समय तक कहते रहे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, ऐसे इनके कहने से कुछ नहीं होगा और ये बुरी तरह धराशायी होंगे और ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग चला गया। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों के जो तंबू हैं, बहुत उनमें किसान बहुत कम रह गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए? देखिए मान्यवर, ये आंदोलन है, ये 5 आदमी से भी चलता है और 5 लाख से भी चलता है। ये किसान है, इसके पीछे काम है,
कि पूरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसके साथ चलती है, हर जीव का पेट भरता है ये किसान, और इसे अपने भी बच्चे पालने हैं, तो खेती में काम भी है। इस वक्त फसल संभाली है, इस वक्त हर फसल का टाइम होता है, गन्ना काट रहे हैं, अभी गन्ना निमटने वाला है, गेहूं की फसल निमटी है, और उधर आलू का और ये जो है टमाटर की भी फसल है बर्बाद हो गई। टमाटर की फसल तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है किसान का वो इसका हुआ है, सब्जी वाले किसान का। और ये आंदोलन की वो बात जो तुम कह रहे हैं ना कि ये कम ये दिखाई दे रही है अब यहाँ, तो ये तो अब धीरे धीरे ना बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक दिन देखना तुम क्या हाल होगा यहाँ।